शुमाली कश्मीर के केरी इलाके में आज सुबह मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान तसादुम शुरू हुआ। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स ने मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर इलाके का मुहासरा किया, जिस दौरान मिलिटेंटों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग शुरू की गई। जवाबी कार्रवाई में लश्करी तोयबा मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता दो अस्करियत पसंद हलाक हुए। बताया जाता है दोनों मुकामी मिलिटेंट थे, जिनकी शिनाख्त शाकिर माजिद नजार और हनान अहमद के बतौर हुई है। बताया जाता है कि दोनों मिलिटेंट मार्च 2024 के महीने में लश्कर ए तोयबा मिलिटेंट तंजीम में शामिल हुए थे। इलाके का मुहासरा जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। लश्कर ए तोयबा से दो दहशतगर्द किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इस इत्तला के मौजूद होते ही जो है हमने एक जॉइंट कॉर्डन लॉन्च किया, आर्मी 29 RR SSB जो लोगों के साथ दौरान सर्च एक घर नजर ना दाऊद में से कुछ टेररिस्ट ने हमारी सर्च पार्टीज पे हमला किया, फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जो है दो टेररिस्ट मारे गए हैं। ये टेररिस्ट शोपियन ज़िले से वाबस्ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। इनकी पोजीशन से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल बरामद हुआ है। इस मसले में जो है हमने FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस तफ्तीश के दौरान जो भी जानकारी आएगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी।